हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स प्लांट इट। आई एम हिमांग एंड आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ हाउ टू पुट अप अ शेड नेट इन योर टेरेस गार्डन। द शेड नेट विच आई थिंक ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है अपने टेरिस गार्डन का, क्योंकि अगर आपके टेरिस में बहुत ज़्यादा धूप आती है, फॉर इंस्टेंस दिल्ली में, पंजाब में, नॉर्दर्न स्टेट्स में, तो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन गेट दिस शेड नेट एंड आप ये अपने छत पे लगा सकते हो। तो इससे क्या होगा कि जो धूप है वो पार्शियल धूप आएगी आपके प्लांट्स को, विच इज़ लाइक वेरी गुड फॉर द प्लांट्स एज ह्यूमिडिटी भी बनी रहेगी एंड नेचुरल सनलाइट भी मिलेगी। सो कमिंग टू वेयर डिड आई गेट दिस फ्रॉम, ये मेरे को अमेजोन से मिला। सो व्हाट आई हैड टू डू बिफोर एंड आई हैड टू चेक द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ माई टेरिस। मैंने पहले साइज देख लिया मेरे टेरिस का एंड देर आर वेरियस sizes available on Amazon. I'll give you the link down below. So I just bought this shade net and इसके साथ ये जब शेड नेट आया था इसके साथ ये क्लिप्स भी आए थे। आप देख सकते हो कि ये जो क्लिप्स है ये ऐसे लग जाती है एंड देन वॉट वी सिंपली हैव टू डू इज़ कि एक रोप की मदद से, आप देख सकते हो इधर से एक रोप जा सकता है एंड देन आई अटैच इट टू द फ्रेम। तो अगर आपको एक फ्रेम बनाना है फॉर दिस शेड नेट, तो आप मेरा एक और वीडियो देख सकते हो, मैंने उसका भी एक वीडियो बनाया ऑन हाउ टू मेक अ फ्रेम फॉर अ शेड नेट और अ ट्रेलिस। बट मैंने क्या किया, वंस यू गेट दिस शेड नेट, आप देखोगे कि इसमें एक स्टिचिंग की हुई है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो इधर एक स्टिचिंग की हुई है। सो व्हाट आई थॉट कि क्यों ना इस स्टिचिंग में मैं रोप को पार करवा के मैं इस जो शेड नेट है इसको और थोड़ा स्टेबल बनाने की कोशिश करूँगा। एंड जो स्टिचिंग वो लोग ने, ये जो प्री स्टिच है वो काफ़ी पतली थी। सो व्हाट आई डिड कि मैंने ये खुद से, आप देख सकते हो कि ये जो वाइट थ्रेड्स है ये मैंने खुद से कर लिया, sort of a border बना दिया है so that the rope stays at its place and इसकी वजह से और stability भी मिलेगी। so that's it guys, this was it and about the product quality, it is quite good and ये काफ़ी जल्दी भी आ गया था and the best part what I think is it is like 50-50 shade है इसमें, मतलब 50% ऑफ द सनलाइट विल गो थ्रू दिस नेट। सो आई गेस दिस इज़ क्वाइट आइडियल फॉर अ टेरिस गार्डन। सो द नेक्स्ट थिंग इज़ आई शो यू गाइज हाउ आई पुट इट।
सकते हो कि जो मैंने शेड नेट है वो लगा दिया, एंड आप देख सकते हो द सन विच इज़ लाइक ऑन द ईस्ट साइड ऑफ द टेरिस, सो द विच इज़ लाइक आइडियल फॉर द प्लांट्स कि उसे सिर्फ सवेरे की धूप मिले, एंड दोपहर की धूप हैज़ बीन टेकन केयर ऑफ। एंड आई आंसर अ फ्यू क्वेश्चंस जो आई थिंक आप लोग के माइंड में होगा कि हाउ डिड आई अटैच इट अटैच द शेड नेट टू द पोल्स। द आंसर इज़ कि मैंने जो ये पोल्स थे उसमें छोटे छोटे होल्स बना दिए थे फॉर द रोप्स टू गो इनसाइड, एंड मैंने बीच में एक वायर भी लगाया था सो दैट एक सपोर्ट मिले। सो गाइस आई जस्ट वांटेड टू टेल यू वन थिंग कि आप जब भी ये करो आप ये ध्यान रखो कि आप किसी के साथ हो, मेरी तरह आप ऐसे अकेले ना करो। एंड मैं अकेले इसलिए करता हूँ क्योंकि आई एम यूज टू इट, इट्स लाइक इट्स बीन लाइक मोर देन कपल ऑफ ईयर्स कि मैं आई एम डूइंग दिस सो आई एम यूज टू इट। अगर आप ये अकेले कर रहे हो तो आप ये ध्यान रखो कि आप छत से गिर ना जाओ। सो गाइज या जस्ट टेक केयर बिफोर यू डू एनी ऑफ द स्टाफ। एंड आप इधर देख सकते हो कि मेरा जो फाइकिस है वो कितना बड़ा हो गया है, दैट मेरे शेड नेट को छू भी रहा है। सो दैट्स इट गाइज, आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल लेट्स प्लांट इट।